हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई कुकिंग में। आज हमने बनाया है पोटली वाली यखनी का पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करके बताएं हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पोटली वाला पुलाव बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया, एक आड़ी लहसुन की, थोड़ी अदरक, एक बड़ी आड़ी प्याज की, एक चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, एक टुकड़ा थोड़ा सा जायफल का, टुकड़ा तज की लकड़ी, चार बड़ी इलायची, छः छोटी इलायची, सात आठ लौंग, दो तेज़पत्ता। हम एक कपड़ा लेंगे, लहसुन को हम अलग कर लेंगे कलियाँ, ये सारा सामान हम इसी में बांध देंगे। अदरक के हम छोटे टुकड़े कर लेंगे। सारे मसाले हमको इसी में ले लेने हैं। अब हम इसे बांध देंगे, पोटली को चारों तरफ से समेट कर पकड़ेंगे इस तरह से, इसे लपेटते हुए। अब इस पोटली को हमें धागे से अच्छी तरह से बांध देना है। गोश्त को डाल देंगे कुकर में, थोड़ा गोश्त डाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे पोटली को, प्याज भी हम काट के इसी में डाल देंगे, तेज़पत्ता और बाकी का गोश्त हम ऊपर से डाल के पका लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे दो चम्मच और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे, जब तक गोश्त से पानी नहीं निकल आता, तेज़ आंच में गोश्त जल जाएगा। इसे हम बंद कर देंगे, 5 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे, उसके बाद हम इसे फुल फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकाएंगे। चावल लिए हैं हमने 3 पाव, इन चावलों को हम धोकर 1 घंटे के लिए हम इन्हें भिगा देंगे। यखनी का गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, ये देखिए। अब हम इसे पोटली को खूब मैश कर लेंगे, इसका सारा जूस निकाल लेंगे, ये देखिए। ये जो पोटली का मसाला है इसे फेंकना नहीं, इसे आप सुखा लें, जब तहरी बनाएं तो इस मसाले को पीस कर डालें, बहुत ही टेस्टी तहरी बनती है। अब यखनी तैयार करने के लिए हम इसे प्याज डालेंगे, और हमने इसीलिए मसाला लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5-6 लौंग, थोड़ा सा जायफल और जावित्री। काली मिर्च और जीरे को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इन मसालों को हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से क्रश हो गए हैं। अब ये मसाले हम इसमें डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, और जो हमने मसाले क्रश किए थे वो मसाले भी हम इसी में डाल देंगे। अब ये जो हमने गोश्त गलाया था, ये सारा गोश्त हम इसी में डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, इसका सारा फ्लेवर इसी में आ जाएगा। जब तक के पानी इसका है, सारा पानी जला देंगे और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, आप अगर ज़्यादा तीखी बिरयानी चाहते हो तो ज़्यादा मिर्च डाल दें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से बिरयानियाँ बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है पोटली वाली बिरयानी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से। जब तक के यखनी तैयार हो रही है, हम पानी रख देते हैं चावल उबालने के लिए। पानी थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ते 2, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी तज की लकड़ी और बादियान का फूल, 2 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5-6 हरी मिर्चियाँ भी हम पानी में ही डाल देंगे। ये देखिए यखनी तैयार हो गई, इसका पानी सारा ख़त्म हो गया है, इसमें सिर्फ चिकना है, तेल है। अब हम गैस बंद कर देंगे, ये देखिए पानी अच्छे तरह से उबल गया है। हरी मिर्चें अब हम निकाल देंगे इसमें से, भीगे हुए चावलों को पानी में डाल देना, इन्हें जब तक पकाना है जब तक ये दम पर लगाने वाले ना हो जाएं।
अब ये चावल दम पर लगने के लिए तैयार हो गए हैं। हम इनका पानी निकाल देंगे चावलों से। चावलों का पानी निकाल दिया है, अब हम दूसरा बर्तन लेंगे। अब हम भगोने में चावलों को डालेंगे। पहले एक लेयर चावल की लगाएंगे, चावल के ऊपर एक लेयर अखनी की लगाएंगे, फिर इसके ऊपर दोबारा चावल डालेंगे, फिर से अखनी की लेयर लगाएंगे, अब हम बचे हुए बाकी सारे चावल इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें कलर डाल देंगे। और इसे हम बंद करके दम पर लगा देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर रखेंगे। और कोई वज़न चीज़ किसी चीज़ में जग में पानी भर के या कोई भी वज़न चीज़ रख दें जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकलने पाए। अब भगोना अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम एक कप दूध डाल देंगे। इससे पुलाव बहुत ही मुलायम बनेगा। और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। ये तेल हम डाल के अब इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे। जब तक इसमें खूब अच्छे से भाप नहीं भर जाती, जब तक बिरयानी तैयार हो रही है, हम रायता तैयार कर लेते हैं। अब दही में मिक्स करेंगे भुने हुए जीरे लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। रायता तैयार हो गया है, अब रायते में जीरे का तड़का लगा देंगे। तैयार है, इसे अब हम मिक्स कर देंगे। ये यखनी वाला पुलाव बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, उसका बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे सर्व करेंगे। पुलाव तैयार है, रायते प्याज के साथ सर्व करें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।